नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिजन में आपका स्वागत है। आज हम नई एसक्रॉस और टाटा नेक्सॉन की तुलना करेंगे। लेकिन एसक्रॉस और नेक्सॉन तो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। नेक्सॉन सब 4 मीटर SUV है और एसक्रॉस मिड साइज SUV। दोनों गाड़ियों की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो हम इन दोनों गाड़ियों की तुलना क्यों कर रहे हैं? एसक्रॉस महंगी इसलिए है क्योंकि उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है। 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर 14% ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन क्या वह पिकअप, नियंत्रण, कम्फर्ट और सेफ्टी के मामले में सब 4 मीटर SUV से बेहतर है या सिर्फ उसकी लंबाई की वजह से उनसे महंगी है? ये जानने के लिए हम ये तुलना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये सारे पहलुओं में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर साबित होती है, किसका पिकअप बेहतर है, कौन सी गाड़ी में ज़्यादा अंदरूनी जगह है, किसका माइलेज ज़्यादा है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है और सुरक्षित भी, किस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध है इत्यादि। तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरिजन का एसक्रॉस वर्सेस नेक्सॉन कंपेरिजन वीडियो। हमारे आने वाले वीडियोस का आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स के बारे में। नेक्सॉन के टॉप एंड एग्जेट प्लस मॉडल में और एसक्रॉस के मिड हाई जीटा मॉडल में एक समान फीचर्स मौजूद है। एसक्रॉस जीटा में क्रूज कंट्रोल, एप्पल कारप्ले और ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो उपलब्ध है, जो टॉप एंड नेक्सॉन में नहीं है। वही नेक्सॉन एग्जेट प्लस में LED DRLs, रियर ब्लोअर और फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन उपलब्ध है, जो एसक्रॉस जीटा में नहीं है। दोनों गाड़ियों की कीमत में भी सिर्फ 70,000 रुपये का फर्क है। नेक्सॉन एग्जेट प्लस डीजल की कीमत है 10,60,000 रुपये और एसक्रॉस जीटा की 11,30,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। अगर हम एसक्रॉस के टॉप एंड अल्फा मॉडल से नेक्सॉन एग्जेट प्लस की तुलना करते हैं तो वो नेक्सॉन से तकरीबन 2,70,000 रुपये महंगी है। लेकिन उसमें नेक्सॉन से कई सारे अतिरिक्त फीचर्स मौजूद हैं, जैसे लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प लेवलिंग, क्रूज कंट्रोल, एप्पल कारप्ले, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर और ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो। नेक्सॉन में पेट्रोल मॉडल भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत है 9,55,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली, यानी कि समान फीचर्स वाली एसक्रॉस से 1,80,000 रुपये कम। दोनों गाड़ियों में फिलहाल कोई ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में नेक्सॉन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का पर्याय मिलने वाला है। अब बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस के बारे में। एसक्रॉस में 1250cc मल्टीजेट इंजन उपलब्ध है, जो नेक्सॉन के 1500cc डीजल इंजन से 250cc छोटा है। उसमें नेक्सॉन से 20 हॉर्स पावर और 60 न्यूटन मीटर कम टॉर्क उपलब्ध है। इसी वजह से एसक्रॉस नेक्सॉन से लगभग 70 किलो हल्की होने के बावजूद उसका पिकअप नेक्सॉन से काफ़ी कमज़ोर है। इतना ही नहीं, एसक्रॉस में 2000 RPM के नीचे काफ़ी ज़्यादा टर्बो लैग मौजूद है। इसके विपरीत नेक्सॉन का टर्बोचार्जर 1500 RPM से ही सक्रिय हो जाता है और ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त उसमें एसक्रॉस की तरह बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। बस स्मूथनेस के मामले में एसक्रॉस का इंजन नेक्सॉन से थोड़ा सा बेहतर है। नेक्सॉन में 1200cc का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है, जिसका पिकअप भी एसक्रॉस डीजल से काफ़ी बेहतर है। टर्बोचार्ज होने की वजह से उसका टॉर्क भी एसक्रॉस डीजल से सिर्फ 30 न्यूटन मीटर कम है और स्मूथनेस के मामले में भी वह एसक्रॉस के इंजन से काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। एसक्रॉस के HSVS टेक्नोलॉजी की बदौलत उसका ARAI माइलेज है 25.1 km/L। नेक्सॉन डीजल का ARAI माइलेज है 21.5 km/L, यानी कि एसक्रॉस से 3.6 km/L कम। हमारे विश्लेषण में नेक्सॉन डीजल का माइलेज एसक्रॉस से 2 km/L कम पाया गया है। इसका मतलब सालाना 15,000 किलोमीटर के इस्तेमाल के हिसाब से 5 साल में नेक्सॉन में एसक्रॉस से 40,000 रुपये ज़्यादा का डीजल भरना पड़ेगा। नेक्सॉन पेट्रोल का ARAI माइलेज है 17 km/L, लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान वह एसक्रॉस डीजल से 5 km/L कम और नेक्सॉन डीजल से 3 km/L कम पाया गया है। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट के बारे में। एसक्रॉस नेक्सॉन से लगभग 300 mm लंबी गाड़ी है, लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदर एक समान अंदरूनी जगह मौजूद है। एसक्रॉस की पिछली सीट में नेक्सॉन से थोड़ी सी ज़्यादा नी रूम और लेग रूम है, मगर एसक्रॉस के ऑल ब्लैक इंटीरियर्स के मुकाबले नेक्सॉन के ड्यूअल टोर इंटीरियर्स और बड़े शीशे नेक्सॉन के इंटीरियर्स का माहौल ज़्यादा फ्रेश बना देते हैं। नेक्सॉन के इंटीरियर्स का डिज़ाइन भी ज़्यादा आधुनिक लगता है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में और टिकाऊपन के मामले में एसक्रॉस के इंटीरियर्स नेक्सॉन से ज़्यादा टिकाऊ साबित होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। पिछले 20 साल में हम ये कई बार देख चुके हैं
कि 5-7 साल के इस्तेमाल के बाद मारुति की गाड़ियों के इंटीरियर टाटा की गाड़ियों से काफ़ी बेहतर हालत में रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस के बारे में। नेक्सॉन की तुलना में एस क्रॉस का सबसे ज़्यादा फायदा यह है उसका टिकाऊपन और लाजवाब सर्विस सपोर्ट। पिछले 20 साल से हम मार्केट में टाटा और मारुति की गाड़ियों के टिकाऊपन में कितना फर्क है ये हम देखते आ रहे हैं। टाटा की नई गाड़ियों के प्लास्टिक्स, पेंट फर्निश और फैब्रिक्स को काफ़ी सुधर गए हैं, लेकिन इसका मतलब टाटा की गाड़ियों का गुणवत्ता भी सुधर गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज भी टाटा और मारुति की गाड़ियों के टिकाऊपन में ज़मीन आसमान का फर्क है। जेडी पावर के VDS और IQS जैसे क्वालिटी सर्वेक्षण में टाटा टियागो जैसी नई गाड़ी भी आखिरी स्थान पर पाती है, वही मारुति की गाड़ियाँ लगभग सारी श्रेणियों में अव्वल स्थान पर आती है। सर्विस के मामले में भी मारुति के डीलरशिप्स की कारागिरी और व्यवस्था टाटा के सर्विस सेंटर से काफ़ी बेहतर होती है। मारुति के 3-4 हज़ार से अधिक सर्विस सेंटर्स की बदौलत उसका सर्विस देश के कोने कोने तक पहुंच गया है, वही टाटा के सर्विस सेंटर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इन सब का असर दोनों उत्पादों की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पर भी साफ साफ दिखाई देता है। 5-7 साल के इस्तेमाल के बाद एस क्रॉस सेकेंड हैंड मार्केट में नेक्सॉन से कम 1-1.5 लाख रुपये बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। अब हम बात करेंगे पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन काफ़ी नरम है और उनका ग्राउंड क्लियरेंस और टायर साइज दोनों अच्छा है। इसी वजह से दोनों गाड़ियां गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को अच्छी तरह से सोख लेती है। लेकिन नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस एस क्रॉस से 29 mm ऊंचा है और उसका व्हील बेस एस क्रॉस से 100 mm कम। इसी वजह से कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलाते वक्त उसकी नीचे से घिसने की संभावना एस क्रॉस से भी कम रहती है। मोड़ों पर भी दोनों गाड़ियां बेहतरीन पकड़ और संतुलन बनाए रखती है, लेकिन घुमावदार रास्तों पर चलाने के लिए नेक्सॉन एस क्रॉस से ज़्यादा मज़ेदार लगती है। वह एस क्रॉस के मुकाबले ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती से दिशा बदल करती है। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय के बारे में। लंबी दौड़ में एस क्रॉस नेक्सॉन से सस्ती पड़ेगी। अगर आप दोनों गाड़ियों के आने वाले 5-7 साल के पूरे खर्च का हिसाब लगाते हैं तो समान फीचर्स वाली नेक्सॉन एस क्रॉस से सिर्फ 70,000 रुपये सस्ती है, मगर उसके ईंधन का खर्च एस क्रॉस से 40,000 रुपये ज़्यादा है और उसके रीसेल वैल्यू कम से कम नेक्सॉन से 1-1.5 लाख रुपये ज़्यादा मिलेगी। तो कुल मिलाकर एस क्रॉस नेक्सॉन से लगभग 1 लाख रुपये सस्ती पड़ेगी। ऊपर से उसका टिकाऊपन, उसका सर्विस और उसका स्मूथनेस नेक्सॉन से बेहतर है। मेरे हिसाब से नई एस क्रॉस नेक्सॉन से साफ साफ बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप मेरी तरह गाड़ियों के शौकीन हैं तो एक ही टेस्ट ड्राइव में आप नेक्सॉन के दीवाने हो जाएंगे। उसका पिकअप, उसकी ओवरटेकिंग पावर, उसकी पकड़ और नियंत्रण और उसका सस्पेंशन कम्फर्ट बिल्कुल लाजवाब है। ऐसे पिकअप और पकड़ के लिए अगर मुझे 2-3 बार छोटे मोटे रिपेयर्स करने पड़े तो कोई हर्ज नहीं। टाटा के सर्विस सेंटर्स की दफ्तरशाही भी मैं झेल लूँगा, लेकिन आने वाले 5-7 साल में एस क्रॉस जैसी छोटे इंजन वाली गाड़ी कभी नहीं चलाऊँगा। इन दोनों गाड़ियों में से मेरी पसंद तो टाटा नेक्सॉन ही है। तो दोस्तों, अगर आप टाटा नेक्सॉन या सुजुकी एस क्रॉस की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।